कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर लगातार दूसरी चाकूबाजी की घटना सामने आई। बता दें कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बरगवा में अज्ञात बदमाशों ने चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक एक और जहां चाकूबाजी की घटना से आमजन में पुलिस को लेकर अशांति का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी ओर पुलिस की लाइन ऑफ कंट्रोल शांति व्यवस्था पर लगातार सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं चाकूबाजी की इस घटना में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आप लोगों ने भी इसको देखा, ये चाकू की घटना हुई है और हमारे कलीग को चाकू मारी गई है। हमारा कलीग अपनी रूटीन वर्किंग के दौरान डॉक्टर से मिलने का काम रहता है, वो डॉक्टर से मिलने गया हुआ था। गाड़ी पार करके वो डॉक्टर से मिल के आया तो देखा कि उसकी गाड़ी में किसी ने तोड़फोड़ की है। तो पूछे जाने पर कि भाई किसने मेरी गाड़ी पे तोड़फोड़ कर दिया, तो वहां बैठे कुछ लोगों ने उसको आके पकड़ के बोले तुम्हारी गाड़ी है और तुम्हारी गाड़ी के कारण हमको लगा है, तुम दवाई करवाओ नहीं तो तुमको हम बहुत मारेंगे। बोला दादा मैं तो गाड़ी खड़ी किया था और मैं तो अपना काम कर रहा था, तो इस बात पे जो है वो उसको तुम दवाई नहीं करवाओगे, पैसे नहीं दोगे और उसको चाकू मारना चालू कर दिए। ये लगभग एक घंटे पहले की घटना है। किस जगह की है? ये बरगवा में जो है कुछ जो डिस्पेंसर डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे मिलने वो गया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना बिना किसी कारण से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के शहर में इस तरह से नशे किए लोग घूम रहे हैं और किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार रहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कटनी के प्रशासन की।